हेलो दोस्तों, मैं हूं अनुपम पांडे। आप देख रहे हैं मॉडर्न इंद्र। तो देखिए, आज का जो हमारा ये वीडियो है, ये सिविल जेई के लिए जो भी बेस्ट बुक हो सकती है, हमने सारी बुकों को यहां पर कंसीडर किया है। इसमें देखिए, हमारा IAS मास्टर का पब्लिकेशन है, GKP पब्लिकेशन है, सिविल की गोली है, यूथ है, अरिहंत है, गुप्ता एंड गुप्ता है। इन तरह की सारी बुकों को मैंने यहाँ पर लिया है और देखेंगे इस बुक में क्या है खास, इनकी क्या प्राइस है और एक बुक मतलब दूसरे बुक से किस प्रकार से अलग है। चूँकि देखिए, आपको पता है कि चाहे वो खुरमी की हो, IAS मास्टर की हो, सिविल की गोली हो या फिर गुप्ता एंड गुप्ता हो, तो बुक कोई भी हो कॉन्सेप्ट सेम होना चाहिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट तो बदलेगा नहीं। अब BMC का जो कॉन्सेप्ट होगा BMC का ही रहेगा, सोम का कॉन्सेप्ट हो तो सोम का ही रहेगा, स्टील का स्टील वाला ही रहेगा, बदल नहीं जाएगा। बस उसमें देखिए, एक चीज़ चेंज होता है, वो होती है लैंग्वेज। किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करने का जो हमारा लैंग्वेज होता है ना, वो बहुत मायने रखता है। तो इसमें देखिए क्या होता है, कुछ बच्चों को IAS मास्टर समझ में आती है, कुछ बच्चों को नहीं समझ में आती है, कुछ बच्चों को सिविल का बोस्टर इसमें बहुत अच्छा लगता है, सिविल की गोली जो पब्लिकेशन है बहुत बेस्ट चल रही है इसमें, तो वो भी काफ़ी हाईलाइट है, क्योंकि उसका जो लैंग्वेज है काफ़ी सिंपल है तो लोग पसंद करते हैं। जो अरिहंत है, जो हमारा यहाँ से RS कुर्मी है, ये भी बेस्ट बुक है। और इसमें गुप्ता एंड गुप्ता देखिए सभी का फेमस होता है, जो भी कोई अगर SSC की तैयारी करे उसे सबको पता होगा कि गुप्ता एंड गुप्ता बुक तो हमें सॉल्व करनी ही करनी चाहिए। ठीक है, तो इन सारी बुकों का देखिए हमारे पास पूरा कलेक्शन है। तो मेरा ये मानना है, जैसे देखिए अभी पैंडेमिक चल रहा है, आप सभी लोग अपने घर में होंगे, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी फैमिली भी अच्छी होगी। तो यदि आप पैंडेमिक में इतने परेशानी में पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप सिलेक्टिव बुक से पढ़ाई करिए। ऐसा ना हो कि आपने पढ़ाई किया और आपके मान लीजिए पैंडेमिक जा रहा, फिर आपके एग्ज़ाम लग जाएंगे और आपको ऐसा लग रहा कि वो थोड़ा सा गलती कहीं पर होगी, मिस्टेक हो गया, शायद सही डायरेक्शन में हमारी प्रिपरेशन नहीं हो पाई। तो इसीलिए हमने यहाँ पर जितनी बुक हैं, सारे बुक में क्या क्या कमी है, क्या चीज़ें सही होनी चाहिए, कैसी है, किन किन चीज़ों मतलब ध्यान रखना चाहिए, और फिर हम किस चीज़ों को ध्यान रख के पढ़ सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले जो हैं बच्चे उनके लिए भी, इंग्लिश मीडियम वाले उनके लिए, और जो दोनों बच्चे हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी सब इसमें बुक हैं। तो हम सारे बुकों का बिल्कुल विशेष देखेंगे। ठीक है, और देखिए ये सिविल का जो गोली पब्लिकेशन है तो बेस्ट अपने आप में चल रहा है। इसने क्या किया, सिविल का कैप्सूल नाम से बनाया पूरा। अब जैसे क्या है कि पहले लोग शॉर्ट नोट्स बनाते थे, इसने अपना खुद ही शॉर्ट नोट बना के दे दिया। ये सबसे अभी इसको भी बिल्कुल आपको दिखाएंगे मैं डिटेल में क्या इसकी सारी चीज़ें हैं, और यूथ का भी दिखाएंगे। इसमें देखिए हमने जो बुक को लिए हैं, कुछ बुक हमारे जो है प्रीवियस ईयर बुक हैं, जैसे जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको सॉल्व करके और उसके जो एग्जांपल्स दिए हैं उसे डिस्क्राइब थोड़ा करके अपना कुछ उसमें थ्योरी उन्होंने दिया है। इस प्रकार देखिए हमारा IAS मास्टर हो गया और यूथ की एक बुक है। ठीक है, ये यूथ वाली बुक होगी और GKP पब्लिकेशन ये भी हमारी बुक है, ये हमारे क्या प्रीवियस ईयर पेपर की बुक है। ठीक है, तीन बुक हमारी हो गई। ठीक है, हमने एक मेंस के लिए भी बुक लिया है IAS मास्टर का, मेंस के लिए SSC मेंस के लिए भी हमने यहाँ पर एक बुक लाया है जो हमारा ये डिस्क्रिप्टिव प्रकार से है। ठीक है, और यहाँ पर हमने तीन बुक को कंसिडर किया है जिन बुकों में सिर्फ ऑब्जेक्टिव पोर्शन भरे पड़े हैं, भर भर के ऑब्जेक्टिव पोर्शन। जैसे मान लीजिए आपने प्रिपरेशन एक बार पढ़ ली, सारी थ्योरी का आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है, फिर आपको सिर्फ जो प्री के लिए आपको जब क्वेश्चन सिर्फ रटने हो, तब उसके लिए जो सबसे बेस्ट बुक है भी हमने यहाँ पर लाए हैं। ये देखिए यूथ की दोनों हैं, वॉल्यूम फर्स्ट वॉल्यूम सेकंड करके इसका आता है, यूथ का है। और यहाँ से गुप्ता एंड गुप्ता, ये गुप्ता एंड गुप्ता की बुकें हैं, इसको भी अभी हम दिखाएंगे आपको। गुप्ता एंड गुप्ता बुक है ये, इसमें सिर्फ क्वेश्चन भर भर के दिए गए। देखिए दो तरह का हो गया, एक जो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एक में क्वेश्चन मतलब बना करके प्रीवियस ईयर और अपने तरह से क्वेश्चन को ऐड करके उन्होंने बनाया मिक्सअप करके, दो कैटेगरी बुक होगी। तीसरी कैटेगरी की बुक है जिसमें थ्योरी और थ्योरी के साथ साथ उसमें क्वेश्चन इस तरह से दिए गए। तो थ्योरी और क्वेश्चन को जो कंबाइन करके बुक है वो हमारी देखिए यहाँ से है RS खुरमी। ठीक है, और एक बुक ऐसी है जो ये सिविल बूस्टर आप देख रहे हैं, सिविल बूस्टर में इसका एक अपना मेन खासियत है कि इसने सिर्फ थ्योरी भर भर के दिया, और ये अपने आप को बताता है कि मतलब ये SC गेट और एनी स्टेट मतलब जो एग्जाम सब के लिए बोलता है फिर पर। तो ये मान लीजिए जब ये गेट के लिए बोल रहा है और इसमें कंटेंट भी अच्छा, क्योंकि मैंने खुद इसको स्टडी किया तो काफ़ी अच्छा है मैं बता रहा हूँ। तो ये अपने आप में ये बुक ऐसी है कि इसी एक बुक जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं दिए गए हैं, और RS जो हमारी खुरमी है इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव मतलब इसके साथ साथ उसका पूरा डिटेल दिया है चैप्टर का। जैसे मान लीजिए बिल्डिंग मटेरियल में एक चैप्टर सीमेंट है, सीमेंट के वजह से पहले डिटेल दिया और फिर सीमेंट रिलेटेड क्वेश्चन दिया। ठीक है, इस तरह से। और गुप्ता वाली जो बुक है इसमें हमें दिया गया टोटल क्वेश्चन भर भर के दिए। ठीक है, इसी तरह से यूथ की बुक है, और यूथ का जो हमारा ये प्रीवियस ईयर का सोल्यूशन ये भी है। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं एक एक बुक को बिल्कुल डिटेल से, क्या क्या है उसमें, उसकी प्राइस क्या। देखिए सारी बुक को जो भी है डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वहाँ से जाकर के अमेजोन से या फिर आप फ्लिपकार्ट पर कहीं से आप जाकर के बाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं दोस्त। देखिए और एक चीज़ और मेरे पास है अभी क्या है कि मान लो ये ठीक कंटेंट होंगे बुक के, और आप देखते होंगे संदीप सर पढ़ाते हैं, संदीप जैनी सर, तो वन ऑफ द बेस्ट टीचर हैं अगर आप देखें SSC के लिए। तो उनके जो नोट्स होते हैं, जैसे उन्होंने अपना PDF अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दिया, ठीक है, उनके जो नोट्स आते हैं उनके नोट्स को यदि आप प्रिंट आउट करा लेते तो भी एक प्रकार से आपकी हर एक सब्जेक्ट वाइज बुक बन जाती है। ठीक है,
वो भी हमारे पास है, उसको भी हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। और इससे कोचिंग के लेना चाहें, मेडिजी का लेना चाहें, और एक्सीलेंट विजन एक टेक्निकल अकेडमी है इलाहाबाद में, ये भी वन ऑफ द बेस्ट कोचिंग, सबसे ज़्यादा अभी तक सिलेक्शन दिला चुकी है SSC JEE में, SSC JEE और किसी भी अदर JEE और UPSC JEE में तो समझ लीजिए इसका अपना ये एक नंबर वन पे। अभी इस बार का जो इन्होंने टॉप किया था, फर्स्ट रैंकर इसी का था, मतलब यहाँ के एक्सीलेंट टेक्निकल विजन अकेडमी का। तो इनका भी अपना जो नोट्स है, ये भी अपने आप में बहुत खास है। देखिए तब क्या हो जाता है कि हमारे पास मटेरियल बहुत है, अब ये चूज करना है कि हमारे लिए वन ऑफ द बेस्ट कौन सा है। तो जस्ट स्टार्ट करते हैं, चलिए देखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसके विषय में पूरा हम अभी एक एक करके देखें। तो ये फर्स्ट बुक है, ये प्रीवियस ईयर पेपर वाली बुक है। तो इसमें हमने लिया है IAS मास्टर का, ठीक है। IAS मास्टर की जो बुक है, इन्होंने इसमें 32 पेपर सेट दिए हैं, और जो नया एडिशन है उसमें पेपर सेट और एड में उसमें 40 हो गए। इन्होंने ये कूपन भी इसमें मिलता है, तो आप इसको कूपन का यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको 3300 प्रैक्टिस के लिए मिल जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। और इस बुक की इन्होंने देखिए इसमें बता दिया है कि कितने कितने वेटेज हैं, और सिलेबस एक बार आप देखिए। आप ये SSC JEE की तैयारी कर रहे हैं, या फिर KCUP PSLJEE, या फिर TSGC, या फिर चंडीगढ़ का जो है उसमें भी कर रहे हैं, तो आपको क्या, आपने पहले सिलेबस को निकाल करके अपने सामने रख लेना चाहिए। सिलेबस को पहले आपको एक अच्छे तरीके से स्टडी करना चाहिए, फिर इसके बाद आपको उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको ही पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने पहले सिलेबस दिया, सिलेबस को आपको जरूर पढ़ लेना चाहिए। और उन्होंने बता दिया कि कितना कितना वेटेज है, तो आप सब लोग जानते होंगे कितना कितना वेटेज है। रीजनिंग का 50 है, जनरल अवेयरनेस 50 है, और जो हमारी इंजीनियरिंग के जो टेक्निकल हमारे आते हैं उसमें हमारा 100 है, ठीक है। टोटल हमारा इसमें होगा 200, ठीक है। और जो मेंस का होता है, मेंस का 300 में होता है। और इन्होंने बता दिया है कि अभी 2018 तक का जो हमारा वेटेज है, कितने कितने पूछा गया, किस किस हमारे जो सब्जेक्ट हैं उनसे कितना कितना वेटेज इसमें लिया गया। और देखिए इसमें एक अच्छी बात ये लगती है कि इन्होंने पहले दे दिया सब्जेक्ट वाइज कि हमारा कितना सब्जेक्ट है, और किस सब्जेक्ट से कितने कितने, मतलब कितने पेज में आएगा इंडेक्स, इन्होंने कंटेंट बना के दे दिया। तो अब इन्होंने क्या किया, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर है, तो इसमें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, तो स्ट्रेंथ ऑफ मैंने इसका एक कंटेंट बनाया, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, तो इन्होंने क्या किया है कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम। तो डिफ्लेक्शन ऑफ बीम से 2004 से लेकर 2019 तक का जो भी क्वेश्चन पूछा गया, उन सारे क्वेश्चन को इन्होंने इसमें रख दिया है, ठीक है। ये इनका मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगती है कि ये टॉपिक वाइज जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको इन्होंने इसमें समर्ज किया है, और अभी अन्य जितनी बुकें हैं इस तरह उन्होंने नहीं किया है, तो इनकी एक अच्छी बात ये लगती है। और देखिए जैसे कोई भी चीज़ है इन्होंने, तो इन्होंने क्या करते हैं, अच्छे से उस चीज़ को पहले इन्होंने डिस्क्राइब करते हैं, और डिटेल में भी एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ पर ये प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो इनकी ये चीज़ काफ़ी अच्छी है, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि इन्होंने डिस्क्राइब करके जो चीज़ें एक्स्ट्रा देते हैं ना, एक्स्ट्रा चीज़ यदि आप यहाँ से IAS मास्टर के सीज बुक से आप पढ़ सकते हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रख लीजिए, और जिन्होंने जैसे अभी कंटेंट में जो दिया है, ऐसा नहीं कि आपको बस ऑप्शन याद करना, ठीक है, ऑप्शन याद करिए, ठीक है, ऑप्शन आप पढ़ लीजिए क्वेश्चन वाइज देख के, और जिसका ये सोल्यूशन देते हैं ना, सोल्यूशन आपको याद करना कंपलसरी समझ लीजिए, IAS मास्टर का सोल्यूशन ही समझ लीजिए मेन आपके लिए। इसमें सोल्यूशन पढ़ेंगे तो आपको एक क्वेश्चन से कम से कम 6-7 क्वेश्चन एक्स्ट्रा इसमें मिल जाता है आपको। तो IAS मास्टर की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है, ठीक है। और इसका एक अच्छा ये भी बात है कि जैसे मान लीजिए ने सॉइल मैकेनिक्स ले लिया, तो सॉइल मैकेनिक्स में जितने चैप्टर बन सकते, चैप्टर वाइज उनके जो टॉपिक वाइज, फिर उन्होंने क्वेश्चन को ऐड किया कि कितने 2004 से 2019 तक कितने क्वेश्चन पूछे गए, सारे क्वेश्चन को इन्होंने समराइज किया। तो ये चीज़ इसकी अच्छी बात है मुझे लगती है IAS मास्टर की, ठीक है। तो IAS मास्टर वन ऑफ द बेस्ट बुक्स है, अगर प्रीवियस ईयर पेपर को आपको सॉल्व करना है तो इसको आप ले सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। और इसको देखिए हिंदी इंग्लिश वाले दोनों यूज करते हैं, जो कि जिसका लैंग्वेज है ना बहुत ही समझ लीजिए एकदम कॉमन लैंग्वेज है, एकदम इतना सिंपल वे में इन्होंने समझाया है ना, सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया ना, कि आप आराम से समझ सकते हैं। बस आप थोड़ा सा डरते हैं कि मान लीजिए हिंदी मीडियम वाले होते हैं, वैसे मैक्सिमम जो यूपी पॉलिटेक्निक से हैं वो यहाँ पर क्या हिंदी मीडियम है, ठीक है। तो आप वो भी, वो लोग भी आराम से पढ़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। आप पढ़ेंगे तो आपको आराम से सारी चीज़ें टेक्निकल वर्ड, देखिए टेक्निकल चीज़ होते नहीं है तो आपको पढ़ने ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो ठीक है, ये बुक जो हमारी थी, ये अगर प्रीवियस ईयर में देखा जाए तो हमारी सबसे अच्छी बुक हमें लगती है। तो इसके लिए प्रीवियस ईयर की एक बुक हम और देख लेते हैं जिसमें हमें दिया गया है। तो यहाँ से देखिए प्रीवियस ईयर की एक बुक दिया गया है, JEE PPublication, ठीक है। इन्होंने दिया है, इन्होंने कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स हमारा फ्री जो भी देते हैं सब देते हैं। आजकल 32 पेपर इन्होंने दिया 2008 से 2019 तक का जो पेपर इनके आए हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिए 6000+ MCQ सोल्यूशन इसमें दिए हैं, डिटेल में इंक्लूडेड जो दिए हैं। 3 पेपर है 2019 का, 12 पेपर 2018 का, 8 पेपर 2017 का, 22 प्रैक्टिस टेस्ट दिए। तो इसमें बस उनका यही है कि प्रैक्टिस, इन्होंने एक चीज़ अच्छा किया है कि इन्होंने 3 प्रैक्टिस सेट भी डाले हैं, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इन्होंने दिया ही, तो इन्होंने क्या किया, शिफ्ट वाइज बताया इसमें कि किस शिफ्ट में क्या पेपर आया था। मतलब जैसे मान लीजिए 23 सितंबर 2019 को शिफ्ट 2 में जो भी पेपर आया था उस पेपर को इन्होंने इस तरह से सॉल्व किया। और इन्होंने भी देखिए सारे कंटेंट दिया, सिलेबस दिया। तो 2019 का पेपर है, तो ये पेपर पूरा मान लीजिए आपको क्या है कि ये इसलिए उस तरह, मान लीजिए आपने तैयारी कर ली है, ठीक है, अपने पढ़ाई अच्छे से कर ली, अब सोच रहे हैं आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस सेट एक प्रकार से आपको हो गया, तो प्रैक्टिस सेट की तरह आप इसको सॉल्व करिए। जैसे मान लीजिए यहाँ से आपने 200 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, अब 2019 का जो आपने अभी सॉल्व किया है
यहाँ से आप देख सकते हैं जर्मनी का यहाँ एक्सप्लेनेशन, देखिए उन्होंने अच्छे से अपना कर दिया। और यहाँ से ये देखिए थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं सारी चीज़ों को, आराम से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ से आप देख सकते हैं, मान लीजिए सेकंड शिफ्ट है, इसका भी यहाँ से इन्होंने जैसे आपको पूरा होगा तो यहाँ देखिए इन्होंने सब डिटेल में सारी चीज़ों को पहले आपको आंसर दे देते हैं, आंसर देख लीजिए, यदि आपको थोड़े से कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत हुई तो यहाँ पर उन्होंने एक्सप्लेनेशन भी दिया है। तो ये भी बुक अच्छी है, यदि आप मान लीजिए इसे क्या है कि प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के लिए ये भी बुक अच्छी है, जो कि इसमें मान लीजिए प्रैक्टिस आपने बैक कर लिया, ठीक, अब इसमें जो गलतियाँ हैं आप उसको देख सकते हैं, एक बार आप चेक कर सकते हैं उसमें आंसर देख के, फिर इसके बाद आप इसको जो एक्सप्लेनेशन है उसको देख करके जो आपकी गलतियाँ सुधार कर सकते हैं, ये भी अच्छी बुक है, ठीक है। तो हमारे लिए ये भी प्रीवियस ईयर की बुक ही है। तो यूथ देखिए आजकल तो बहुत ही फेमस है, जितने हिंदी मीडियम लोग हैं उनके लिए बेस्ट है, और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए, जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों ही कॉम्बो देता है। यही एक ऐसी बुक है जिसमें क्वेश्चन जो होते हैं ना वो हिंदी इंग्लिश दोनों में होते हैं। यहाँ से आप देखेंगे ना, कोई भी क्वेश्चन आप देखेंगे ना हिंदी इंग्लिश दोनों में देता है। तो ये जिनको हिंदी इंग्लिश में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए जो यूथ है ना, यूथ की ये बुक जो आप देख रहे हैं यहाँ से दिया है, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल सॉल्व पेपर इसमें दिया है, इन्होंने 56 ऑनलाइन इसमें दिए हैं टेक्निकल नॉन टेक्निकल, और टोटल इसमें जो प्रैक्टिस सेट हमारे लगभग हमने इसमें काउंट किया था तो 28 आए थे, ठीक है, 28 इन्होंने पेपर सेट दिए हैं और काफ़ी अच्छा डिटेल में दिया है। और नॉन टेक्निकल दोनों को इसमें इन्होंने सॉल्व किया अच्छे से। इन्होंने देखिए जो एक यूथ का जो अच्छा चीज़ क्या लगता है ना, यूथ में क्या करता है कि जैसे मान लीजिए आपको पीछे देखना पड़ता है, यदि आप जल्दी जल्दी रिवीजन करना चाह रहे हो तो आपने यहाँ से देखा, ठीक है, यहाँ से रिवीजन कर लिया। और एक इसका माइनस पॉइंट ये भी होता है कि मान लीजिए आपने फर्स्ट टाइम पढ़ना शुरू किया तो आपको यहाँ से आंसर देख जाएगा, आप अपने तरह से सोच नहीं सकते, आप कर नहीं सकते, दोनों चीज़ का है। कुछ लोगों को प्रैक्टिस करने में आ जल्दी देख देख के अपना कर लेते हैं, आसानी हो जाती है उनको करने में, तो जिस तरह से आपको अच्छा लगता है आप उस तरह से पढ़ सकते हैं। लेकिन ये भी काफ़ी अच्छी बुक है, सोल्यूशन इसमें भी अच्छा दिया गया, इंग्लिश हिंदी दोनों कॉम्बिनेशन इसमें है, तो हिंदी इंग्लिश वाला जिसको दिक्कत होती है उनके लिए बुक काफ़ी बेस्ट होने वाली, ठीक है। समय लग रहा है लेकिन आप परेशान ना होइए, सारी बुक का डिटेल से एक बार समझ लीजिए फिर आराम से पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं। सारी बुक को जो भी इसका लिंक है मैं डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाकर के ऑनलाइन आप परचेज कर सकते हैं। ये देखिए ऑनलाइन से अच्छा यही भी होगा कि आप जाकर ऑफलाइन नहीं कर लीजिए, उसमें आपको डिस्काउंट थोड़े अच्छे मिल जाते हैं, ठीक है, 40-50% डिस्काउंट मिल जाएगा। ऑफलाइन में ऑनलाइन में थोड़ा सा दिक्कत ये होती है कि उतने डिस्काउंट आपको नहीं मिलते हैं, और मेरा इसमें कोई बेनिफिट नहीं है इसलिए मैं उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब देखिए जो हमारी ये इस नंबर की बुक आती है इसमें से हमें जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस होता है इसमें क्वेश्चन भरे रहते हैं, ठीक है, भर भर के क्वेश्चन। तो देखिए हमारा क्या है, गुप्ता एंड गुप्ता जी वाला है, ठीक है, इसमें आप देखेंगे कि इन्होंने क्वेश्चन दिया है, पहले उन्होंने कंटेंट बनाया, अब कंटेंट वाइज जैसे कंटेंट में दे दिया, जितने सब्जेक्ट हो गए अब सब्जेक्ट वाइज, जैसे मैंने प्रूव मैकेनिक से स्टार्ट किया तो प्रूव मैकेनिक से इन्होंने क्वेश्चन पूरे भर दिए, ठीक है, यहाँ से देखिए पूरे क्वेश्चन भर भर के इन्होंने बनाया, प्रूव मैकेनिक क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन बनाया, ठीक, यहाँ से। और इसका जो लास्ट में इन्होंने सोल्यूशन दिया है, मतलब बहुत डिटेल में सोल्यूशन नहीं देते हैं, डीप सोल्यूशन नहीं देते, इनका इसी तरह से सोल्यूशन आता है, कोई बहुत हाईलाइट नहीं होता है। इसका जो गुप्ता एंड गुप्ता का सोल्यूशन की बुक आती है वो सिविल की गोली पब्लिकेशन वो भी बना रही, उससे आप जाकर के ले सकते हैं, इसका अगर आप सोल्यूशन लेना चाहें पूरा डिटेल सोल्यूशन तो वो सिविल की गोली बना रही। ये बुक लोग बताते हैं जो पढ़ लेते हैं एक बार, जिनका पूरा एक बार डिटेल सब कुछ याद हो जाता है कॉन्सेप्ट के साथ, ऐसा नहीं कि आपने रट्टा मार याद कर लिया, कॉन्सेप्ट आपको याद है। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है इसके चारों ऑप्शन आपको याद आ रहे हैं, ठीक है, चारों ऑप्शन आपको पता है कि कहाँ कौन कौन सा यूज होगा, तो आपके समझ लीजिए SSC जी या फिर कोई भी स्टेट से ही आराम से निकलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं वाली। तभी थोड़ा इंग्लिश मीडियम में थोड़ा ये लैंग्वेज टफ होती है, ये बुक समझ लीजिए जो सभी बुकों में थोड़ी टफ मानी जाती है, थोड़ा इसका लैंग्वेज क्या होता है हाई होता है, ठीक है, तो इस बुक का भी आप प्रेफर कर सकते हैं, यदि आप तैयारी थोड़ी अच्छी हो रही है, अच्छे लेवल में जा रही है, तो इसको भी आप आराम से अच्छे से इसकी तैयारी करें, जो कि काफ़ी अच्छी बुक ये भी है। और इसी तरह से इसी में जो हमारे प्रीवियस ईयर जो मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमारी बुक आती हैं, ये देखिए यूथ का है, यूथ में वॉल्यूम फर्स्ट और वॉल्यूम सेकंड दो प्रकार से बुक आती हैं, ठीक है, यहाँ से आप देखें तीन में भी इतने क्वेश्चन दिए गए, समझ लीजिए इसको आप पढ़ लेंगे ना तो आपको कुछ बचेगा ही नहीं, लेकिन इतना इतना लेंदी है ना, इन्होंने भी काफ़ी अच्छा इसमें पहल किया है। यहाँ से आप देखेंगे तो सब्जेक्ट वाइज इन्होंने बनाया है, काफ़ी बेहतर इन्होंने बनाया इसमें। देखिए यूथ हमेशा से आपको कुछ अलग देना देने की कोशिश करता है, ठीक है, और ये है कि जैसे हम लोगों से क्या रिलेट कर जाता है थोड़ा, क्योंकि हिंदी मीडियम इंग्लिश इंग्लिश दोनों कंबाइन करता है, और पहले इसमें एरर थोड़े थे लेकिन एरर को भी काफ़ी हद तक सुधार कर लिया, ठीक है, तो इसमें एरर भी अब ज़्यादा नहीं है। जैसे कि यहाँ पर अपने इन्होंने बनाया है तो बिल्डिंग मटेरियल, तो बिल्डिंग मटेरियल जो भी यहाँ पर पॉइंट पॉइंट चट्टान है, तो चट्टान से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं ना कुछ इस तरह से उन्होंने दिया, जैसे उसमें IAS मास्टर में किया था वो उसी तरह IAS मास्टर में उन्होंने प्रीवियस ईयर का दिया था, इन्होंने सारे क्वेश्चन को भर भर के बनाए हैं। तो लिखते तो बहुत हैं, 50,000 लिखते हैं, लेकिन इसमें जो टोटल मिला करके आपको 8-10,000 क्वेश्चन दोनों मिला करके 10,000 क्वेश्चन मिल जाएंगे, और 10,000 क्वेश्चन मुझे लगता है कि सफिशियंट होते हैं किसी भी स्ट्रेटजी को क्लियर करने के लिए या फिर किसी स्ट्रेटजी को क्लियर करने के लिए, ठीक है, और ये जो क्लियर होगा तो प्री होगा, लेकिन मेंस के लिए आपको क्या जो भी आपका डिस्क्रिप्टिव है उसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है, ये बुक आपकी होगी ऑब्जेक्टिव। अब एक बुक आती है इसमें देखिए सिविल की गोली, ये अपने आप में सिर्फ थ्योरी बुक है, सिर्फ इसमें आपको थ्योरी भर भर के रहेंगी, ठीक है, तो इस बुक में सिर्फ जो भी मिलेगा सारी चीज़ें आपको थ्योरी मिलेंगी,
यहाँ से देखिए इन्होंने सारी चीज़ों को पूरा डिटेल में दिया है। और ये बुक अपने आप को बताते हैं कि इसमें जो हमारा यूजफुल फॉर SSC, इसमें ESC है, गेट है, NSTEL JEE एग्जाम है, RRB है, PSU है, SSC JEE है, मतलब ये एक प्रकार से सभी के लिए बताते हैं, सब कुछ इसमें भरा हुआ, ठीक है, तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और एक चीज़ ये है कि ये बुक क्लेम करती है कि इसमें कोई भी एरर नहीं है, मतलब 100% एरर फ्री समझ लीजिए कि इसमें कोई भी एरर नहीं है बुक में, जो भी चीज़ें लिखी गई वो सब मतलब सही है। आपको इसमें बिल्कुल ऐसा नहीं कि आपको सोचना है कि यार पेपर गलत होगा, सही होगा, कैसा होगा, कुछ भी होगा। देखो इन्होंने अपना क्या बनाया, तो पहले बिल्डिंग मटेरियल है, तो इसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं ना जिससे क्वेश्चन बनते हैं उनको अलग बनाया, फिर थोड़ा सा एडवांस टॉपिक में अलग से स्टा लेकर के उसमें थोड़ा सा ऐड कर दिया, तो इस तरह से इनका अपना बनाया। और इन्होंने मैक्सिमम टॉपिक को कर लिया कवर। देखिए जैसे क्या होता है, आर्थिक उर्थिक और अन्य बुकों में आपको नहीं मिलेगा, ऑटोकैड भी इन्होंने इसमें ऐड किया, तो इसमें आपको समझ लीजिए रेलवे का, ब्रिज का, टनल का, टनल इंजीनियरिंग भी इन्होंने इसमें कवर किया, तो इसमें मैक्सिमम टॉपिक कवर है। और ये इसमें क्या डिस्क्रिप्टिव सारी चीज़ें देते हैं, और यहाँ से आपको AEJEE दोनों का आपको मिल जाएगा डिटेल में, ठीक है। यहाँ से आप इसको देखेंगे इसका जो तरीका है करने का, तो यहाँ ने देखिए स्टार्ट किया, आप इंपॉर्टेंट पॉइंट वहाँ पर आपको दे दिया था कौन से स्टार्ट होगा, तो आपका ये बिल्डिंग मटेरियल स्टार्ट हो रहा है, तो बिल्डिंग मटेरियल देखिए इन्होंने दिया है, तो सारी चीज़ों को ना इन्होंने अपने एक अच्छे तरीके से जो बनाया है, इनका अपना तरीका। और बाद में क्या करते हैं ना, थोड़ा सा ये किसी ट्रिक भी बना के देते हैं आपको याद करने के लिए, अन्य ट्रिक नहीं बना के देते हैं आपको जल्दी, ये क्या करता है आपको ट्रिक भी बना के देता है, और ट्रिक बना के देता है जिससे थोड़ा सा आपको याद होने तरीका भी हो जाता है, जल्दी आपको याद हो जाता है। और इस बुक की जो लैंग्वेज है ना समझ लीजिए एकदम लैंग्वेज भी सही है, थोड़ा सा ये बुक की जो साइज है ना ये भी काफ़ी प्रीमियम लगती है देखने में, ठीक है, तो इसमें पढ़ने में आपको दिक्कत नहीं है, कहीं भी आप लेके जा सकते हैं, तो छोटी सी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से देखिए फाउंडेशन सन के मतलब ये इमेज भी काफ़ी अच्छा इन्होंने दिया है, और ये प्रकार से सिर्फ इसका ऑब्जेक्टिव भी आता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव भी जो हमारे पास अभी नहीं प्रेजेंट टाइम में उसको भी हम दिखा सकते थे, सिविल की गोली के नाम से आप देखेंगे तो आपको वहाँ से आपको मिल जाएगा, जा करके उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप देखेंगे तो ऑब्जेक्टिव भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। वो उनका इसके सिविल का जो गोली वाला है इन्होंने जो पब्लिकेशन है, इन्होंने UP के जो भी JEE वैकेंसी जितने स्टेट वैकेंसी हैं उनके लिए भी इन्होंने अपना स्पेशल बनाया है, UPS स्पेशल करके, ठीक है, तो उसको भी आप जाकर परचेज कर सकते हैं। तो हमारे हिसाब से जो ये बुक ना, यदि इस बुक को आपने पूरा एक बार डिटेल में पढ़ लिया ना, देखिए पहले हमारा मानना है कि आपको देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करनी ही है, लेकिन जैसे मान लीजिए आपने कोई एक टॉपिक उठाया, टिम्बर उठाया, टिम्बर से सारी चीज़ें एक बार आपने पढ़ लिया, ठीक है, टिम्बर पूरा यहाँ से आपने पढ़ा, फिर आपको क्या करना है कि अब किसी बुक से जाकर के, चाहे आप IAS मास्टर से जाएँ, यू से जाएँ, तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, लेकिन आपको ये बुक एक बार आप ले लीजिए, ये बुक अच्छी है, इसमें आपको जो भी डिटेल काफ़ी अच्छा डिटेल में मिल जाता है, तो आप डिटेल में समझिए और इसके बाद आप अपने क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, काफ़ी बेहतर आपके लिए रहेगा। और देखिए ये जो इनकी बुक है ना, ये तो मुझे समझ लीजिए मेरी सबसे फेवरेट बुक है प्रेजेंट टाइम में, इसमें क्या इन्होंने क्या किया है कि जितनी बुक जो भी हमारे सब्जेक्ट है ना, देखिए इन्होंने इसमें 17 सब्जेक्ट इन्होंने किया, जो भी सब्जेक्ट इसमें है टोटल सब्जेक्ट इसमें है ना, यदि इस बुक को आप पढ़ रहे हैं और इस बुक को अपने पास रखे हुए हैं छोटी सी है पॉकेट बुक समझ लीजिए प्रकार से, तो इसमें जितने फार्मूले हैं ना आप देख ही सकते हैं यहाँ से, जैसे आपके सॉइल मैकेनिक्स है, एलिवेटेड सॉइल के लिए रिवर, यहाँ से मरीन सॉइल के लिए सी वाटर, और इसमें फिगर वाइज देखिए जितने फार्मूले हैं ना इन्होंने गजब तरीके से इसमें बताया पूरा डिटेल में। और ये है ना कि पूरे सब्जेक्ट का है, यदि आप इसको पढ़ लेते हैं ना तब भी समझ लीजिए जो भी इसमें दिया ना पेपर में जो आते हैं ना वही चीज़ दी गई, अगर इसको पढ़ लेंगे ना तो SSC में 50 नंबर आपकी इसी से आ जाएंगे, सिर्फ आपको सारी चीज़ याद है, आपको पता है कि कौन सी चीज़ कैसे, ऐसा ना हो कि रट लेते हैं पता चलता क्वेश्चन पूछ रहा आपको पता ही नहीं क्या पूछना चाह रहा, यदि आपने पढ़ा तो 50 नंबर आपको इसी छोटी सी बुक से मिल जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आपको सारी चीज़ कन्फर्म होनी चाहिए कि कहाँ से कौन चीज़ रिलेट करती है, ऐसा ना कि आपने रट के कोई चीज़ कंप्लीट किया, ठीक है, यदि आपने रट्टा नहीं मारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो इस बुक की सारी चीज़ यदि आपको याद है तो आपको 50 नंबर 60 नंबर मिल जाएगा, इसको हमको कोई रोक नहीं सकता सिर्फ इसी छोटी सी बुक से। ये बुक आप समझ लीजिए अपने आपके लिए सबसे पहले आपके होनी ही चाहिए आपके पास। इसमें क्या है ना आपको देखिए इससे आप शॉर्ट नोट्स के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, शॉर्ट नोट्स आपको मिल जाएगा, इनका एक चार्ट भी आता है, चार्ट आप मान लीजिए कहीं खाने बना रहे हैं फिर वहाँ पर लगा लीजिए, सब लोग बाहर ही रहते हैं तो उसके लिए चार्ट एक काफ़ी अच्छा होता है, ठीक। अब ये देखिए हमारे हो गए प्री के लिए, और ये मेंस में भी थोड़ा बहुत कारगर होता है हमारी ये बुक जो है। अब जो मेंस के लिए स्पेशली एक बुक हमारे पास है वो आप देख सकते हैं यहाँ से, ये यहाँ से SSC JEE जो हमारा मेंस एग्जाम इसके लिए इन्होंने IAS मास्टर का है, IAS मास्टर के ये भी काफ़ी अच्छा इन्होंने बनाया है, इन्होंने देखिए वही सब्जेक्ट वाइज दिया है टोटल, सब्जेक्ट वाइज करके इन्होंने जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए ना उन क्वेश्चनों को इन्होंने पूरा डिटेल में सोल्यूशन दिया और काफ़ी अच्छा सोल्यूशन इन्होंने समझाया है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो आप मान लीजिए आपने सॉइल मैकेनिक्स पढ़ा, सॉइल मैकेनिक्स से आपने एक बार रिवीजन अपने जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको आपने एक बार रिवीजन किया, ठीक है, फिर आपको क्या करना है जो भी इसमें क्वेश्चन है इनको आपको क्या करना है एक एक क्वेश्चन का आपको रफ पे लगा लेना। आप मान लीजिए एक बार आपको नहीं समझ आ रहा एक बार लगाइए फिर दोबारा उसको रिवीजन करिए, तो बार बार यदि आप रिपीट करते रहेंगे ना सारे क्वेश्चन आपको रिपीट हो जाएंगे, तो आपको जो 3 महीने मिलता है मान लीजिए आपने प्री क्वालिफाई कर लिया फिर आपको लग रहा है यार क्वेश्चन मुझसे नहीं हो रहा, तो आप पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस किए रहेंगे ना तो 3 महीने बहुत होता है किसी भी JEE एग्जाम को निकालने के लिए, ठीक है, किसी भी JEE एग्जाम को निकालने के लिए 3 महीने आपके लिए सबसे समझ लीजिए बहुत होते हैं,
आप 3 महीने पढ़े तो मन लगा के, 8-10 घंटे पढ़े तो लगातार। तो ये बुक जो है ना, समझ लीजिए इसको हमें साथ साथ लेके चलना होता है, लेकिन लोग क्या करते हैं कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे पढ़े रहते हैं और बिल्कुल मेंस पे ध्यान नहीं रहता। तो मेंस में देखिए क्या होता है, निकलते तो लेकिन होता कितने लोगों का। तो अगर उसमें भी आप प्री निकाल लिए, प्री देखो, प्री में आपका सबसे ज़्यादा मेन भीड़ होती है, जो भी साथ ज़्यादा लोग होते हैं आपके प्री में ही होते हैं। मेंस में आपके इस बार क्या हुआ था, 4500 सीट थी, 4500 बच्चों को हुआ था, 1500 सीट थी, तो समझ लीजिए 1/3 का था इसमें। तो आपकी जो समझ लीजिए लड़ाई है ना, वो आपकी प्री में ही है। तो मेंस के लिए पहले से आप थोड़ा सा प्रिपेयर रहिए, आराम से वहाँ पर क्लियर कर लेंगे। तो दोस्तों ये देखिए संदीप सर का जो उन्होंने अपना पीडीएफ बनाया है, जो भी उनका अपना कंटेंट उन्होंने मेंटेन किया, एक एक सब्जेक्ट वाइज उनका कंटेंट है, उस कंटेंट का जो उन्होंने अपना बना के दिया, तो उसको यदि आप उनके टेलीग्राम पर जाएँ तो वहाँ से अपना पीडीएफ आप निकलवाइए। तो कुछ देखिए इन्होंने क्या किया है कि बहुत अच्छा इन्होंने अपना भी बनाया है, इन्होंने थ्योरी और जो क्वेश्चन, थ्योरी क्वेश्चन इन्होंने बिल्कुल मिक्स करके बनाया है। थ्योरी क्वेश्चन इसमें आप देख सकते हैं, देखिए फिर फ्लोटिंग एरिया इसका, अभी से रिलेटेड जो मेरे क्वेश्चन बनाते हैं क्वेश्चन उन्होंने रिलेट किया है, ठीक है। देखिए यहाँ से तो हमारे पास इसका भी सारा सब पड़ा हुआ है, हमने आपको कुछ एक दो ऐसे दिखा दिए कि सैंपल के लिए आप इसको देख सकते हैं, और उनका टेलीग्राम चैनल जाकर के वहाँ सब कर सकते हैं। तो आराम से आपको सारी कंटेंट मिलते रहेंगे, वहाँ से भी पढ़ते रहिए। और इसमें देखिए जो भी चीज़ है ना, सारी बिल्कुल इन्होंने डिटेल में बताया, आप इनसे वीडियो देखिए, इसको आप एक बार इसको टू कॉपी करा के रख लीजिए, इसको अपने खुद से भी नोट्स बना लीजिए, ठीक है। और जो आपकी सिविल की गोली उससे आप पढ़ते रहिए। तो आपके देखिए SSC जी, आप ऐसा भी कोई एग्ज़ाम नहीं ना, वही कहते हैं ना कि SSC कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं जाएगा जो 3 महीने में आपने अगर सही से पढ़ा है तो निकले ना, ठीक है। आपको बस पढ़ना है एक बार अच्छे से, ये भी बुक काफ़ी अच्छी है। इसी तरह से देखिए ये भी यहाँ का सोम का है, सोम के लिए इन्होंने काफ़ी अच्छे फिगर से सारी चीज़ों को समझाया है। जैसे देखिए अगर पॉइजन रेशियो की इन्होंने पूरा सारी डिटेल में सारी चीज़ें समझाया, फिगर इन्होंने तो फिगर से समझाते ना तो सारी चीज़ें बड़ी अच्छे से क्लियर हो जाती। और देखिए यहाँ से जैसे पॉइजन रेशियो भी आजकल काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, और देखिए यहाँ से जो भी देखिए होमोजीनियस था, होमोजीनियस आइसोट्रोपिक, इसके ऊपर इन्होंने फिगर से सारी चीज़ों को डिटेल समझाया। तो अच्छी बात यह है ना, संदीप सर का जो भी आपको रहेगा तो इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको डायग्राम मिल जाएगा। और देखिए इन्होंने क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत अच्छे कराया, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस और इसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव और इसके बाद साथ साथ सब्जेक्ट इनका ये सब्जेक्टिव सारी चीज़ें, तो सारी चीज़ें उन्होंने सबमर्ज किया, थ्योरी भी दिया, क्वेश्चन भी दिया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिया, सब भर भर के इन्होंने दिया, ठीक है। तो इससे भी आप कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आपका होगा, बढ़िया होगा। तो यही था दोस्तों सब कुछ, बाकी आप आराम से पढ़ो, पढ़ाई करते रहो। उम्मीद तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको जो हमने ये रिव्यू दिया है बुक का बिल्कुल आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हाँ थोड़ा इसमें आपका समय ज़रूर लगा, लेकिन आपको आप कभी ये कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं, या फिर किसी से पूछने की जरूरत नहीं कि हमें कौन सी बुक प्रेफर करनी है। इसमें आपको सारी बुक का डिटेल पता चल गया, क्या प्राइस है, कैसे लेना, कहाँ से लेना, किस तरह से लेना, कंटेंट क्या क्या दिया गया है, किस बुक में क्या चीज़ें अच्छी हैं, क्या चीज़ें बुरी हैं, किन चीज़ों को। वैसे देखिए बुक कोई ख़राब नहीं होती, डिपेंड करता है कि आपको समझ में कौन सी बुक आती है उस हिसाब से, ठीक है। तो उस हिसाब से हमने आपको सारी चीज़ें समझा दी हैं। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू टू ऑल।